आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कश्मीर के जो हालात हैं, उन हालात में किस तरह से एक आम आदमी का काफिया तंग किया जा रहा है, और शेर कश्मीर के उन अजीम असूलों को आज मिसमार करने के लिए साजिशें की जा रही हैं, जो कि मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीर के लोग उन चीज़ों को मिसमार नहीं होने देंगे, और हमारा एक एक लम्हा, एक एक मिनट जो है वो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला मेरी अपनी ब्रैंक की कंसिस्टेंसी और फिर एज ए होल पूरी स्टेट के लिए और अपनी तंजीम के लिए वक्फ रहेगा, और हम जी जान लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा हम अपने वो खोए हुए जो हमारे हकूक हैं, जो हमारी इज्जत थी, जो हमारी इज्जत नफ्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी, वो सारी चीज़ें हम होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, ऐसा हमारा इरादा लेके निकले हैं। बाकी ऊपर वाला हमारा साथ देना चाहिए, अल्लाह ताला मेहरबान रहना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हमें बहुत अच्छा मुस्तकबिल ब्रैंक का नजर आ रहा है।